अब भैया आराम आराम से सुबह के शाम के 6 बजे तक कथा अपने इतनी सी तरह बोला नहीं बड़ा देती सर टोका हो तो हेलो हेलो अबे अबे सर का तक आराम से एक का टेबल फ्रीज टेबल सर का बस ज्यादा नहीं चौक से आगे वो तो चौक के अंदर थोड़ा होना चाहिए ये तो बाहर पहुंच गए ठीक है ठीक है अंडर लाइनर भगवान जी की कान लड्डू गोपाल और लोटा पर डाल दो लड्डू गोपाल कहाँ है चलो माँ किस पिता है बुआ तो बने नहीं पा रही अच्छे से बैठ हाँ इधर आ जाओ हमारी साइड हमारी साइड आ जा जी 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 दूसरे को बैठने को स्थान नहीं रखा है देखो 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 क्या हाल है अरे थोड़े अंदर बैठी हम बोल रहे हैं इतने इतने बात कराई दुपारी कहाँ है पंडित जी जी मिले हमारे वाली पंडित जी बिल्कुल एकदम वी आई पी स्तर तक क्वालिटी की था एक पंच तो कैसे नहीं हाँ अभी तो निकल गए अरे पूजा कर रहे तुम आराम से बैठना आप तो माने रहो जो जल्दी चलो हस्तो आज बोल रहो मेरी बढ़िया करो केशव आय नम नारायण आय नम माधव आय नम गोविंद आय नम ऋषि के आय नम पियो जन मैं पियो तीन बार क्या कितनी बार पिया हाँ दो लो गंगा जल हाँ दो अवश्य गंगा जल ले गंगा जल डालो शक्कर डालो तीन हो थी तीन पांच सात ग्यारह आया सी लगा तीन तो पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश सदा भवानी नायनी समुख रहे गणेश तीन देव रक्षा करें पांच देव तीन देव पांच देव रक्षा करें हाँ पांच कौन कौन देव तीन तो हो अरे ब्रह्मा विष्णु महेश और कौन से पांच दो हुए सदा भवानी नायनी भवानी तो चार हो गए सदा भवानी नायनी सब मुख रहे गणेश दो और दो चार और तीन पाँच चलो ठीक है वनस्पति धूपयम प्रतीकृता धूप मृषा धूप उदय में लगा दू और आगे धक्के धन्य उठाओ अरे अच्छी जगह बैठे अच्छी जगह बैठे जल जल छोड़ो उनके ऊपर महाराजपते नमः शाल मंगल मंगल
गौरी देवी है, पार्वती देवी है, कौन है? नहीं गौरी पार्वती शंकर जी का, शंकर जी पार्वती बस तो चढ़ा गए, शंकर जी के संग है पार्वती से पार्वती। भगवान जी मंदिर से स्नान कराओ, भगवान जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण, नमो श्री सत्य नारायण, पंच परमेश्वर, पंच देवता, नमः। भगवान जी जय।
सब ले आए दो दाने रखी हुई मैं नहीं देख रहा है पंडित जी चलो तुम अपने मंदिर पंडित कर दिया मंगल मूर्ति बलदेव हृदाम बलदेव हृदाम बलदेव आंखें लाल हो जाए बोलो मंत्र बोलो ओम नमो नारायण नमो भगवती सत्यनारायण भगवान दुर्गेशान काम धैनु गौरव पयो स्नान समर्पयामि काम धैनु गौरव दधेशान दधि स्नान समर्पयामि काम धैनु गौरव धृति स्नान समर्पयामि मधु 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 स्नान शर्करा स्नान मिश्री स्नान बासन बर्तनों में खड़बड़ाओ आराम से नए वस्त्र आभूषण राजमान भाव पर लोटा पे राजमान भाव आसन समर्पयामि नाना विधि आसनार्थे आसन समर्पयामि टीका लगा ओम श्री श्रीखंडम चंदनम दिवंधार सुमनोहरम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिमताम चंदनम समर्पयामि हरद्रादि कुमकुम समर्पयामि गंधक्षतम समर्पयामि चंदनम समर्पयामि फूल करा दो छह गुलाब के सुगंध वाले है गुलाब और लोगों को नहीं ले आए हरबड़ा रहे
धरती पे वो कर दो लोहरी चंदन टीका लगा धरती पे पृथ्वी देवी नमा धरा देवी नमा आधार देवी नमा गंधर्व चंदन पशु समर्पयामि ओम पृथ्वी ताम धता लोकाम तुम क्या आधार है माँ देवी अवतर क्या करु आसनम आसन देवी नमा रक्षा शुक्र समर्पयामि वाराहरिता कच्छप देवता शेषनाग वामन बलि नमस्कार होगी प्रसाद जल आचमन कराओ आचप दिए जल ने मेरे आवी गंगा सरस्वती कावेरी जपान रन लो साढ़े आठ से काम ही करने मोनी ने बता भी दी है मतलब वीडियो चालू है अच्छे से बात पूछा मैंने फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सी ने जैसे जरा के तमाम कहते कि मोनी कहते कि कौन सी कौन सी गलत कर रहे नाक से लेकर के ये जो जी डाल दो तू भी कौन एक पत्ता भगवान में चढ़ा दे एक पत्ता भगवान जिनको डाल दे एक प्रभु ने कहा रख लो भगवान के नपे नेट है आंख बंद करो समर्पयामि पंच परमेश्वर पंच देवता थोड़े चावल फूल बांध लो भूला दो चावल दे दो सिक्का दो सिक्का दे अपनी जेब में से सब दे दो तुम्हारी बची नहीं हुई है सुपारी रखी नहीं चाहता रख मैं बाप के स्टैंड में दिया सीताराम 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 कटोरा ढाक दो पंजाब दोनों
रिचार्ज खत्म हो गया तो चार्ज रिचार्ज करो कंपनी वाला आज मर गाओ पानी पिया भगवान को हाथ धोआ मुंह धोआओ थक रहो हस्ते मुख प्रक्षालन आचमनार्थे गंगा जल समर्पयामि भगवान विश्वादो आस पास भगवान के आस पास समर्पण पूजा करो नारायण सरस्वती विनायको घूमत नहीं है कैमरा मोबाइल है आगे जल्दी प्रोग्रेस कर ना चलो सब को चावल सबके हाथ में जो भी चावल कथा शुरू करें अरे करें बोलो भगवान की जय भगवान अच्छा श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय एक समय नामी शरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सोटी जी महाराज को प्रभाव करते हुए प्रश्न किया कौन सा व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। श्री सूतोवाच्य सूत जी बोलिया लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने वैकुंठ धाम में जाके लक्ष्मी नारायण भगवान से किया था और भगवान ने नारद जी को क्या उत्तर दिया आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है नारद जी सभी लोगों में घूमते पृथ्वी लोक में पधारे धरती पर आकर नारद जी ने चारों तरफ देखा यहाँ तो बड़ा हाहाकार हो जाए धरती पर हाल बेहाल है मनुष्य का परेशान है मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। नारद जी वैकुंठ धाम गए और लक्ष्मीपति भगवान को नमस्कार करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कहिए नारद जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं पृथ्वी लोक का समाचार सुनाइए। नारद जी ने क्या सुना है आप तो सब कुछ जानते हैं अंतर्यामी हैं मनुष्यों का हाल बेहाल है परेशान है उनकी आशा विलासा पूरी नहीं हो रही है आप कोई सहज सरल सा कोई उपाय बताइए पूजा पाठ बताइए विधान बताइए ध्यान बताइए जिससे कि मनुष्य जाति सब प्रकार से सुखी रहे। भगवान कहते हैं कि नारद जी महाराज बड़ी अच्छी बात पूछिए आपको धन्यवाद है आप वास्तव में सच्चे संत हैं। सत्यनारायण जी का व्रत करते रहने से आशा भरासा पूरी होती रहती है।
कब करना चाहिए। सत्यनारायण जी की पूजा में ना तो समय का बंधन है, ना सामग्री का बंधन है, ना समाज का बंधन है, कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है। गेहूं का आटा, चावल का आटा, गुड़, शक्कर जो भी मिल जाए सवाया प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और नए 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 वस्त्र आभूषण भगवान को धारण कराना चाहिए। एक चित्त होकर ध्यान से भगवान का पूजन करे, तुलसी पत्र रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत चंदन आदि भगवान को समर्पण करे और तत्पश्चात कथा को श्रवण करे, धूप दीप कर्पूर आदि से आरती करे, प्रणाम करे, परिक्रमा करे, मनोकामना पूर्ति की भगवान से प्रार्थना भी करे। प्रार्थना में बड़ा बल होता है, प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है अंतर मन से की जाती है और तो पूजा दिखावे की दास से होती है, प्रार्थना भीतर से होती है और भगवान जल्दी पुकार सुनते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। स्वयं सत्यनारायण भगवान ने उपाय बताया, अब सत्यनारायण जी की वाणी असत्य तो हो ही नहीं सका। नारद जी प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। तीसरी सत्यनारायण कथा पहला अध्याय प्रथम अध्याय, बोलो सत्यनारायण भगवान की। आगे काशी नगरी में सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते, सुपर से चल रहे सुपर फास्ट में, अरे सब टिकट ज्यादा लग लग है। काशी नगरी में सतानंद नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे। उनकी ऐसी इच्छा हुई कि हमारे पास बहुत 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 धन हो तो तुम बड़े बड़े धर्म को मैं कर लेती, गौशाला बनवा के भोजनालय करवा देती, स्कूल खुलवा देते, दवाखाने कन्याओं की शादी करती। ऐसा मन में उनके विचार आता है, लेकिन धर्म के लिए भी धन चाहिए। पूरा जीवन मांगते मांगते हो गया है, मांगते रहने से दुख कष्ट दुखी होते हैं, परोपकार करने से धर्म करने से दुख दरिद्र दूर होते। सतानंद जी महाराज की पुकार भगवान ने वैकुंठ में बैठे बैठे सुन ली। ब्राह्मण देवता को धर्म के लिए परोपकार के लिए धन चाहिए, ये अपने सुखों के लिए नहीं मांग रहे हैं कि धन मिल जाए तो हम फोर व्हीलर ले रहे, ये फोन नहीं, ये दूसरों के उपकार के लाज मांग रहे। भगवान आ गए बूढ़े ब्राह्मण वर्ग के और शतानंद जी को उपाय बता दो कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए और मनोवांछित फल लीजिए। उपाय बताकर भगवान उत्तर ध्यान हो गए और जो है उन्होंने उनमें सतानंद ब्राह्मण ने शुरू कर दिया, भगवान सत्यनारायण जी का व्रत शुरू कर दिया। कालांतर में व्रत करते करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ब्राह्मण देवता को सुख और शांति और संपन्नता से सराबोर कर देते हैं। भगवान ने सत्यनारायण भगवान ने नारद ब्राह्मण देवता को इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया। जो ब्राह्मण देवता सवेरे सवेरे द्वार द्वार भिक्षा मांगने जाते, आज वे खुद अपने द्वार पे सबको पुकार के किसी को अन्न का दान दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को गायें दे रहे हैं, किसी को पात्र दे रहे हैं और किसी को कैश लक्षा दे रहे हैं। ऐसी भगवान की कृपा हो गई और धनधान से संपन्न हो गए गरीब ब्राह्मण जो द्वार द्वार भिक्षा मांगते, जैसे आज भी धीरेन्द्र महाराज बचपन में भीख मांगते आठ कच्छ में, आज देखो तो धीरेन्द्र तो भगवान की कृपा कसई कथा कहते सत्यनारायण की बचपन में भी। सोती जी महाराज कहते हैं आगे जो है लकड़हारे की कथा आती है, लकड़ी बेचने वाला
सिर पर लकड़ी का बंडल लेकर बेचने जा रहा था। पसीना आ रहा है, कंठ सूख रहा है, पानी कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं सूझ रहा है। कहाँ है पानी का सवास, देखा आसपास कहीं नहीं है। और फिर क्या होता है, ब्रह्म देवता का भव्य महल दिखाई दिया। लकड़हारे ने वही लकड़ी पटकी, साकल खटखटाई, आवाज लगाई, भाई पानी पिलाओ भाई। अंदर से आवाज आई, आते हैं ब्राह्मण देवता, एक हाथ में जल का पात्र, एक हाथ में प्रसाद का पात्र लेकर बाहर आए। बड़ी प्रसन्नता से लकड़हारे को जलपान कराया। लकड़हारे को बड़ा आनंद आया, धन्य महाराज, आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी है। वास्तव में मनुष्य तन पाने का यही सच्चा फल है, जो परोपकार करे, दूसरों के दुखों को दूर करे। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अनुमाय। वैष्णव जंतु तय में के ये जो पीर पर आई जाने। ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को जल पिलाया, लकड़हारा धन्य हो गया। पुनः हाथ जोड़ कर कहता है, क्या कहता है महाराज, एक्सक्यूज मी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, सुनो कथा। पहले आप झोपड़ी में रहते, आज महलों में रह रहे हैं महाराज। लकड़हारा कह रहा है, ये सब कैसे हुआ, कौन सी देवी देवता की कृपा हो गई। ब्राह्मण देवता कहते हैं, ये सब सत्यनारायण जी की माया है, उन्हीं की कृपा से मैंने सब कुछ पाया है, जो सच था बताया है, कुछ नहीं छिपाया है। लकड़हारा कहते हैं, हमें भी बताइए श्रीमान जी, सत्यनारायण जी का पूजन कैसे करना चाहिए। हम भी बहुत परेशान हो गए, लकड़ियाँ ढोल ढोल परेशान हो गए। विधि विधान ब्राह्मण देवता बताते हैं, और लकड़हारा लकड़ियाँ बेच बेच के सत्यनारायण जी का पूजन संपन्न करता है। भगवान उस पर भी कृपा बरसाते हैं, जो मोहरी मूल को धर के बैच में जाते, छप्पर फाड़ के मोहरा बरसाती, उनकी मूल को धरे, छप्पर फाड़ के दे रहे, मोदी दे रहे, नरेंद्र मोदी कह रहे, छप्पर लग कर 2.5 लाख दो, ऐसे भगवान की कृपा होती है जब होती है। तो इस प्रकार से लकड़ी बेचने वाला भी धन धान्य सुख संपदा से सराबोर हो गया। स्त्री पुत्र परिवार जमीन जायदाद मकान सब कुछ भगवान ने प्रदान किया, अंत में अपना धाम किया। जैसे सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय, बोलो सत्यनारायण भगवान। सूतोवाच, श्री सूत जी महाराज कथा को और आगे बढ़ाती है। साहूकार की कथा सुनाते, व्यापार कर वे नाव में बैठे साहूकार जा रहे थे। भद्रशिला नदी के घाट पर राजा रानी सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे। साहूकार नाव से उतर गए, हाथ पांव धो के पूजा बजा कर बैठ गए। पूजन उपरांत जय जयकार नमस्कार, सत्यनारायण भगवान की जय, महाराज की जय हो। बड़ी अच्छी पूजा है, बड़ा आनंद आया, मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। जिसका मन प्रसन्न है उसी का जीवन धन्य है, जिसका मन खिन्न है उसका जीवन छिन्न भिन्न है। मन को सदा धर्म से जोड़कर प्रसन्न रखना चाहिए। आपने महाराज कौन सी कामना से इतना बड़ा आयोजन किया है, साहूकार पूछते हैं महाराज उनका मुख से। महाराज उनका मुख बोले कि भैया सत्यनारायण भगवान तो सब इच्छाओं की पूर्ति करते रहे थे, जो तो उनको स्वभाव है, यदि अपना भाव है तो भगवान को भी स्वभाव है कि वे सब कुछ प्रदान करते हैं। ये तो शेष बात है, ये शेष बात है, अब विशेष क्या है इसमें तो सुन लो। हमने संतान के लाले में व्रत करो है, पूजा करी है। साहूकार बोले महाराज आपने जो बाद में बात बताई वह हमारे बड़े काम आई, क्योंकि हमारे यहाँ संपदा तो बहुत है लेकिन संतान का अभाव है,
यदि व्रत को प्रभाव है कि संतान होती है, हम भी इस व्रत को करेंगे, आप हमें इसका विधि विधान बताइए, इसको कैसे करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम तभी शोभा देता है घर के आंगन में किलकारी हो, घर के पीछे फूल और फुलवारी हो, खेलते हुए बच्चे, खेलते हुए फूल, खेलते बच्चे किसको नहीं लगते, अच्छे सभी को लगते हैं। विधि विधान सुनकर के साहूकार वापिस घर आते हैं, अपनी धर्म पत्नी लीलावती को व्रत की महिमा सुनाते हैं और दोनों संकल्प करते हैं कि पुत्र हो चाहे कन्या, व्रत तो अपन को करना है, करना करना, ऐसा संकल्प कर दिया। भगवान ने कृपा करी, सहयोग किया, साहूकार अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर गृहस्थ धर्म में लीन होते हैं। लीलावती गर्भवती होती है, दशमे मास से श्रेष्ठ कन्या जायते, अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ, कलावती नामकरण हुआ। बहुत दिन हो गए, साहूकार ने व्रत नहीं किया। एक दिन धर्म पत्नी ने ध्यान कराया, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, भगवान ने अपना काम बना दिया है, अब भगवान का काम बनाने में क्यों ढील-ढाल कर रहे हो। सवस्य शीघ्रम, कब करेंगे आप सत्यनारायण जी का पूजन? साहूकार बोले, कर लेंगे, इतनी जल्दी का है, देख रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा है, पंडित को आवाजा में लगो है, अगर फुर्सत मिली, कलावती की शादी होगी उस समय कथा होगी। भरवानी ने कहा, अरे जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, थोड़ा तो समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से, समय में से समय निकाल के धर्म के काम करो तो ज्यादा महत्तम है, ज्यादा फल मिलता है। समय होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। साहूकार बोले, हमें ने बताओ, हमें ने समझाओ, हमें ज्ञान दे दो, हमने जो कह दी पत्थर की लकीर, कलावती को ब्याह हुई है, जब भी ये कथा चले गए परदेश व्यापार करके, चले गए पैसे कमावे, 12 साल के बाद आए घर, देखो तो कलावती शादी के लायक हो गई, पढ़ना में झूलता छोड़ गए थे, तो सखियों के संग खेलने स्कूल जा रही, शादी करती, विवाह करती, हाथ पीले करके विदा कर दिया, लेकिन लेकिन व्रत को समर्थ हो गए, व्रत नहीं किया। भगवान ने देखा कि साहूकार ने अपना तो काम बना लिया, लेकिन हमारा काम पढ़ने में डाल लिया, अपना काम बना लिया, इसको सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए तभी सुधरेगा। भगवान ने साहूकार को श्राप दिया, आगे चलकर तुम परेशान रहोगे, झूठे संकल्प करते। दामाद को संग लेकर साहूकार बाहर प्रदेश जाते हैं व्यापार करने। चंद्रकेतु राजा के शहर में रत्नसारपुर नगर में रत्नों का व्यापार करने जाते हैं। जो रत्नसारपुर नगर पहले था वो आज कलकत्ता के नाम से मशहूर है, कलकत्ता आए थे साहूकार व्यापार कर भी। दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे, पीछे सिपाही लग गया डर के मारे, राजा का खजाने का धन चोरों ने क्या किया कि साहूकार की दुकान में फेंक दिया, अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। पहरेदार आए, देखा खजाने का धन साहूकार की दुकान में रखा है, चलन को पकड़ करके ले चले, चलो भाई तुम्हारी दुकान से बरामद हुआ है चोरी का धन, ले गए महाराज दरबार में। राजा ने बिना सोचे समझे को जेल खाने में डाल दिया, झूठे संकल्प करे, झूठे आरोप लग गए, अलक्ष लग गए। बहुत दिन हो गए साहूकार घर लौट के नहीं आए, लीलावती कलावती परेशान हो गई, धन दान पैसा दे रहा था, खत्म होगा, अब क्या करे, रस्ती की गाड़ी क्या समझे, गाड़ी उधार ले जाके काम चला दी, लीलावती कलावती कलावती ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ सतनाम जी की पूजा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, तो कलावती बहुत देर तक बैठी रही, लेट नाइट, बहुत देर से घर आई, माता ने फटकार लगाई, जिन्हें देर कहाँ लगाई, कलावती
समय से आना, समय पे जाना, खराब जाना। खराब जी बोले ब्राह्मण के घर में सत्संग हो रहा था, उसकी माता ने कहा अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि तुम सत्संग में बैठी हैं। और सत्यनारायण जी का पूजन तो अपन को अपने घर ही करने का ऐसे बहुत दिन हो गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पैदा हुए कि पहले संकल्प करो तो आज तक पूरा नहीं करो, दो संकल्प हो गए जन्म को ब्याह, ये सब अपन परेशान है। दूसरे दिन दो ही माताएं मिल गया, दो ही इन्होंने व्रत रखे हैं, दो ही इन्होंने पूजा करी है सत्यनारायण जी की, क्षमा मांगी है अपराधों को क्षमा करो, पति दमा सकुशल घरे आ जाए, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान का चाह भक्ति भाव चाह भक्त को ध्यान चाह। चंद्र के राजा को रात में सपना देकर भगवान ने उठाया, कहा सवेरा उठे ही दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त कर देना, धन से मुक्त कर देना, सामान देना सम्मान देना, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। राजा घबरा गए, जल्दी सवेरे उठे, दरबार लगाया, सिपाहियों को दौड़ाया, महाजनों को छुड़वाया, उनका छोर कर उतरवाया, हजामत आदि बनवाए, इत्र फुले जो ठंडा का स्नान कराए, नए वस्त्र आभूषण पहनाए, मोती की माला फूलों के हार चंदन के तिलक लगाया, अच्छा डेकोरेशन सजावट हो गई, श्रृंगार हो गया। और दोनों साहूकार हक्के बक्के हैं, अचानक एक रात में राजा की बुद्धि को ये क्या हो गया, पहले तो ऐसी सजा दे जेल खाने में डाल दिया, अब ऐसी सजावट कर रहे हैं, ये समय समय की बात है, जहाँ पे कृपा राम की हुई वहाँ पे कृपा करे सब कोई। महाराज महलों में ले गए, 56 व्यंजन भोजन सोने चांदी की थाल में साहूकारों, पाओ भगवान की कृपा हो गई है, आप भगवान के खास भक्त हैं, वीआईपी हैं, क्योंकि भगवान ने सपनों देके आपको छुड़वाओ है सिफारिश करी। दोनों महाजन भरपेट भोजन करते और फिर राजा उनको वापस बहुत सा धन देते हैं और विदा कर देते हैं। दोनों महाजन प्रसन्न मन अपार धन लेकर अपना स्थान को प्रस्थान करते हैं। इति श्री सत्यनारायण कथा तीसरो अध्याय, श्री सत्यनारायण भगवान की भगवान गुस्सा नहीं हुए, ये तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने हमारी पूजा करो हेलो राधे राधे, सत्यनारायण की पूजा हो रही है, कथा हेलो, हाँ चलो ठीक है, साहूकार की पूरी कथा सुना रहे हैं। साहूकार अपना धन लेके स्थान को प्रस्थान करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान कितना दयालु कृपालु है, सम्मान भी मिल गया, सामान मिल गया, बंधन से मुक्त हो गए, धन से मुक्त हो गए, थोड़ी दूर जाके आराम करने लगे, विश्राम करने लगे, एक तरफ नाव धर रही है, भगवान परीक्षा ले भी आए हैं, अब साहूकार झूठ बोलता है या सही, मन के भाव पर देव हुआ, सजा तो बहुत भूख रही है, सुधर जा चुकी, भगवान आते हैं साधु संत महात्मा बनकर, साहूकार तुम्हारी नाव में कहा है, साहूकार बोले महाराज तुम्हें देवे कछु नहीं है, लता पत्ता है, घास फूस है, ना हमारा मन है और ना हमारे पास मनी है, ना मनी है ना मन है आपको देने के लिए, जाइए महात्मा जी तपस्या करिए, भजन करिए, माया के चक्कर में मत पड़िए। साहूकार झूठ बोलता है, भगवान श्राप देते हैं ऐसे ही होगा, लता पत्ता हो जाए, सब लता पत्ता होगा, भगवान में जाकर घाट पे बैठ गए साहू।